नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक छोटा सा परिचय हो जाए डॉक्टर साहब। किसान भाइयों को राम राम। और मेरा नाम सुनीत कुमार सनम महिपाल सिंह, गांव कलंजरी जी, जिला मेरठ। हमारे पिताजी का भी नाम महिपाल सिंह है जी, तो बड़ा अच्छा लगा ये भी सुन के। तो ये बताओ जी डॉक्टर साहब, आपके यहाँ गन्ना सभी किसान करते हैं? हाँ जी। और आपके दूसरे खेतों में भी गन्ना ही है लगभग? हाँ जी। तो इस खेत में क्या विशेष है, मैं ये पूछना चाहूंगा भाई। इसमें जी उनमें तो गन्ना कुछ बारीक है जी, और इसका गन्ना सारा मोटा है जी, और लंबा भी बढ़िया है जी जी, और कीड़ा भी कम है कुछ। अच्छा, जैसे तो, गन्ना गुरु के बारे में हमने किसान भाइयों को बताया था, जो उसकी हकीकत है कि अगर उसे लगाएंगे तो किसी पीजीआर की आवश्यकता नहीं होगी, और उसी के साथ जिस समय गन्ने को जिस तरीके की बढ़वार चाहिए वो होगी। तो क्या वो हुआ? हाँ जी, पूरा हुआ जी जी। जैसे आपने बताया वैसे ही हमने लगाया जी। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, मैं वीडियो में भी लगाऊंगा दूसरी क्लिप, और बाकी आप देख सकते हैं कितने अच्छा मतलब साइज बन के आ रहा है गन्ने का, और हाइट भी काफी है। और डॉक्टर साहब आप ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पर पानी भी मतलब भरा रहा जमीन में, जल भराव काफी रहा, मतलब एक डेढ़ फुट रहा जी एक महीना जी। बारिश वो दो तीन महीने की, वो 15 दिन में ही पड़ गई। अच्छा, चोए की जमीन है ये? हाँ जी, चोए की जमीन जी। उसके बाद भी आप संतुष्ट हो? ना जी, संतुष्ट है पूरे। बहुत बढ़िया जी। तो इसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस में आपकी और जानना चाहूंगा, गन्ना गुरु के अलावा आपने इसमें क्या क्या पीजीआर कुछ और तो नहीं लगा दिया? पीजीआर बस कोरोजन लगाई थी शुरू में। अच्छा, तो पीजीआर नहीं, वो तो आपको लगाना ही पड़ता टॉप बोरर की रोकथाम के लिए। लेकिन इसको लगने के बाद ना और कुछ नहीं लगाया? इसको लगने के बाद अगर आप कोरोजन भी ना लगाएं तो काफी हद तक काम चल जाता है, लेकिन बीमारी के लिए समाधान के लिए आपको अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और आधार खुराक देनी पड़ेगी। बाकी पीजीआर से आपको वो जो अलग अलग शीशी आती है ना, हाँ, कि ये लगा लो वो लगा लो इतना बढ़ जाएगा, वो सब फर्जी हैं, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। ठीक है जी। बाकी ये बताओ डॉक्टर साहब, गन्ने की खेती कितनी है अपने पास? हम पे जी 80 बीघे जमीन है जी, और 70 बीघे गन्ना है जी। बहुत बढ़िया। तो वैरायटी कौन सी है ये? ये 38 है जी। तो किसान भाइयों, ये सवाल मैंने इसलिए करा है क्योंकि 0238 समाप्ति की ओर है, बाकी अच्छे अच्छे प्लॉट हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतना अच्छा साइज मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, काफी शानदार है। ऐसा नहीं है कि किनारे पे हम खड़े हैं तो यहीं पे साइज अच्छा है, आपको मैं अंदर भी दिखाऊंगा। ये देखिए कितना जबरदस्त साइज बन के आया है गन्ने का, और इधर भी देखिए, और भी अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गन्ने की। तो 0238 की हालत जो खराब हो चुकी है यहाँ पर, वो भी झंडे गाड़ रहा है किसान भाइयों। तो बाकी अब की बार इनका क्या विचार है डॉक्टर साहब का, वो भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, गन्ना गुरु को आप बढ़ाएंगे या नहीं? ना बढ़ाएंगे जी टोटल। हाँ। और बाकी हमारे साथ आप जुड़ के चलो तो गन्ने का उत्पादन 10-20% आराम से बढ़ जाएगा। और मैं तो बात करता हूँ एक एकड़ में 1000 क्विंटल की। ठीक है जी, हम वहां आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। जब महाराष्ट्र में हमारे किसान भाई 1500 से ऊपर चले गए एक एकड़ में, तो चलो ठीक है, वहां गन्ना हर समय चलता रहता है, अनुकूल मौसम है, लेकिन यहाँ भी हम कर सकते हैं, 1000 तक आराम से जा सकते हैं। मेहनत करेंगे आपका। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से नए तरीके से चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान कार्यशाला के साथ रहोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, आपका उत्पादन जरूर बढ़ेगा। तो बाकी एक किसान भाई और हमारे पास, किसान भाई के साथ साथ एक चीज़ और है कि वो हमारी टीम के सदस्य हैं, उन्होंने ही डॉक्टर साहब को गन्ना गुरु ला के दिया था। सुजीत भाई आ जाओ एक बार, एक छोटा सा परिचय हो जाए। किसान भाई नमस्कार, मैं युवा किसान सुजीत बाफर जी। तो सुजीत भाई, डॉक्टर साहब को जब आपने गन्ना गुरु लगवाया, हाँ जी, तो शुरू में तो देखो स्टार्टिंग में हर चीज़ में ऐसा होता है कि भाई रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी आपको मुझे लग रहा है कि सुकून है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। इसलिए है क्योंकि जितना लेट ये हमें मिला। हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी डॉक्टर साहब, एक बार और आ जाओ आप, या आप ही आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक पॉइंट और सामने निकल के आया, सुजीत भाई ने बताया कि गन्ना गुरु जब आया वो मेरे संज्ञान में भी था, तो उस टाइम बहुत लेट हो गया था। बिल्कुल 120 दिन बाद गन्ने में लगा, तो वो गलत हो गया था पूरा मामला। तो उसके बाद भी इतने शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं अगर स्टार्टिंग से, और मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा,
गन्ने की बुआई से पहले जमीन की तैयारी से लेकर, अगर हम लोग जमीन की तैयारी सही तरीके से करेंगे, मिट्टी जांच करवाएंगे, उसके बाद जमीन का उपचार करेंगे, जमीन की तैयारी करेंगे, उसके बाद विधि कौन सी चुने हम वो देखेंगे, फिर वैरायटी प्लस गन्ना गुरु और आधार खुराक लगातार चलती आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, वो अलग चीज़ है, तो उत्पादन आपका 20% से भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब जैसे दो खेत खाली हैं, उनकी मिट्टी जांच की ना हमने भेज दी, हाँ हाँ, अब जो भी उनमें कमी होगी वो कहेंगे, बिल्कुल, अब जैसे आपके भान होंगे इनकी करवाऊंगी जांच, बिल्कुल बिल्कुल, जो खेत खाली होगा उनकी सबकी जांच करवाऊंगी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। आप जैसे जागरूक किसान हमारे किसान भाइयों को अगर बताएं अपने आसपास, हाँ जी, तो और भी किसान जागरूक होंगे जी। तो सुजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसान भाइयों समय का अभाव है, आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो गया, तो आप फिर देख लीजिए एक बार गन्ने का साइज़।